में हम ICICI बैंक के नेट बैंकिंग से ऑनलाइन तरीके से IFSC कोड पता करेंगे। तो अगर आपका खाता ICICI बैंक में है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्च टैब में सर्च करना होगा आपको ICICI नेट बैंकिंग। तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको लाल बॉक्स में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा इंटरनेट बैंकिंग नेट बैंकिंग एंड ऑनलाइन बैंकिंग ICICI बैंक। तो आपको उसमें क्लिक कर देना होगा। तो आप यहाँ पे ICICI बैंक की नेट बैंकिंग के ऑफिशियल पेज पहुंच जाएंगे तो आपको ऊपर की ओर दाईं तरफ दिखाई दे रहा होगा काला बॉक्स जिसमें लिखा हुआ लॉगिन। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऊपर साइड दाईं तरफ लॉगिन टू इंटरनेट बैंकिंग जहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र आईडी। तो आपको उसमें क्लिक करके अपनी यूज़र आईडी अंकित करनी है, फिर उसके बाद आपको पासवर्ड अंकित करके इसमें लॉगिन कर लेना है। चलिए हम कर लेते हैं। कि आप देख सकते हैं सफलतापूर्वक अपने नेट बैंकिंग पेज पर लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको ऊपर की ओर बाईं तरफ दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स जहाँ पे लिखा हुआ है ओवरव्यू। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। आपके सामने पॉपअप विंडो खुल जाएगी तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ अकाउंट समरी। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे अगले पेज पर आ जाएंगे जो है हमारा अकाउंट समरी वाला पेज। जैसे कि आप देख सकते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा बीच का ये पोर्शन जहाँ पे लिखा हुआ अकाउंट नंबर ब्रांच एड्रेस और आपका लाल बॉक्स के अंदर दाएं साइड में लिखा हुआ IFSC कोड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो आइए थोड़ा हम समझ लेते हैं IFSC कोड क्या होता है। तो IFSC फुल फॉर्म होता है यहाँ पे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो इस कोड को हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जब हम एक खाते से दूसरे खाते में पैसे को स्थानांतरित करते हैं, तो इसका इस्तेमाल वहाँ पे होता है। तो जैसे कि अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप यहाँ से देख के अपने जो आपकी ब्रांच का जो IFSC कोड है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप यहाँ से देख के इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ पे इस वीडियो में समझ में आ गया हो कि IFSC कोड क्या होता है और आप यहाँ पे इसको देख के यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें।